अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादा। हाँ संजीव। दादा क्या बात है? हमारे खिलाफ कोई साजिश रख रहा है। हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? संजीव को अपने कानून से तो बच गई है। ऑडियो क्लिप सबसे बड़ी चुनौती अभी है अभी कि किसी ने भेजा, वो भी किसी बाहर के नंबर से। की लाश कहाँ है? क्योंकि हमारे कुओं के अवधेश के और तुम्हारे अवधेश ये बात तो नहीं पता कि हंसनी पहाड़ से गिरकर मर गई। अभी अभी हम कर लाश छुपाई है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि कोई नजर रख रहा है हम पर, कुओं को फंसाने की कोशिश है ये? जी दादा, कोई तो है जो हम पे नजर रख रहा है। सच कह रहे हो तुम संजीव, लेकिन ये कौन हो सकता है? पता लगाना होगा। एक काम कर, तू वहां देख, आदम यहां देखते। हंस कर रोना बंद कर, मैं जिंदा हूं, अभी मरी नहीं हूं। बता ना क्या बात है? आप वहां केस में फंसी थी, यहाँ बुआ जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अरे मेरी छोड़, मैं ठीक हूँ अभी, तू बस होशियार है। ये सब उस दुष्ट हंसनी का किया धरा है। वो मरी नहीं, जिंदा है। तू बस अंदर चल, चल कमरे के अंदर, चल आ जा। ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें पता नहीं ये राजीव और कुहू का बेडरूम है? निकलो यहाँ से। कहीं इन्होंने तो आपको बंद करके नहीं रखा? नहीं नहीं बुआ जी, वो राजीव बाबू के कहने पे वो हमारा देखभाल कर रहे थे, बाकी हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ। अरे मदद लेने लायक लोग नहीं है कुहू? नहीं नहीं, अब अवधेश बाबू वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये कौन है? इस घर के क्या लगते हैं? इनकी सच्चाई आप जानती भी हैं? जानना कहाँ है, राजीव बाबू के भाई हैं, इस घर के बेटे जैसे हैं, और इनकी माँ हम सबकी मौसी लगती है। और का? फिर तो जो असली सच है वो आपको जानना ही पड़ेगा कुहू भाभी। असली सच? हाँ, खुशबू मौसी केवल हमारी मौसी नहीं। तो फिर का है वो हमारी? छोड़ना इन सारी बातों को, बस कुछ नहीं बेटा, ये सारे के सारे ना गिद्ध की तरह चंदेल भवन पे मंडरा रहे हैं। अपनी सारी बातों की फिक्र मत कर, तू अपनी हालत देख, कैसा चेहरा सूख गया है तेरा। तू चल अंदर, चल मेरे साथ, चल आजा। इधर तो कोई भी नहीं है, उधर भी कोई नहीं है। राजीव नारायण चंदेल, हा? वो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी चाहिए? जी जी। ना? वो लाश हंसनी जी की नहीं है, ये कागज इस बात की पुष्टि करता है। थैंक यू सो मच। हमको तो लग रहा था कि जो सामने हो रहा है वो भी सच नहीं है। मतलब यही कि हंसनी मरी नहीं है, हंसनी जिंदा है, और ये जो कुछ भी चल रहा है ना उसके पीछे उसी की साजिश है। और कोई है जो उसकी साजिश में मदद कर रहा है। दादा, हंसनी बहुत शातिर है, वो कुछ भी कर सकती है। चलो अवधेश, अवधेश खराब हो गया क्या तेरा? पत्रकारों पर गोली क्यों चला दी तुमने? आप ये हरकतें किए उसके बाद में आपको जवाब देना जरूरी नहीं। एक नंबर के एहसान फरामोश हो तुम। अगर हम तुम्हें चंदेल भवन के सिंहासन पर बिठाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं, और उधर तुम चलते फिरते पत्रकारों पर गोली चला देते। कल के अखबार में खबर छपती तुम्हारी, पर हमने पैसे देकर के उन पत्रकारों का मुंह नहीं बंद करवाया होता तो 5 लाख रुपए चुका कर, और ये 5 लाख रुपए उन पत्रकारों को हमने अपने जेवर बेच कर दिए। अवधेश, बस 5 लाख? देव नारायण चंदेल को पिछले 20-25 सालों से जो आपने अपनी आबरू दी है उसके सामने तो ये 5 लाख कुछ भी नहीं। ये
ये जो जिद तूने ठानी है रखू कि तूने हंसनी की हत्या कर दी, उसको मार दिया, सब बेफजूल है। हंसनी जिंदा है, वो मनहूस जिंदा है, तूने कुछ नहीं किया। नहीं, नहीं, ये सच नहीं है। ये यस, हमारे कारण हमारी दीदी का हाथ छूट गया था। हम गवाया दीदी का मौत का, यही हाथ से छूट गया था। यही हाथ से छूट के हमारी दीदी मर गई। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हंसनी जिंदा है या मर चुकी। जहां तक हम सोच पा रहे हैं, इसके दो सच हैं। एक सच ये भी है कि हंसनी जिंदा है और ये सारा खेल उसी का रचाया हुआ है। और दूसरा भयानक सच ये भी हो सकता है कि हंसनी वाकई में मर चुकी है और कोई उसकी मौत और लाश को हमें फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अवधेश। हाँ अवधेश बोलो। हम कुहू को रोक नहीं पाए, वो इस वक्त बुआ जी और भूमि के साथ अपने कमरे में। हमें डर है कि कहीं वो उनके सामने अपनी जिद ना बयां कर दे। आप यकीन काहे नहीं कर रहे बुआ जी, हम सच कह रहे हैं, आप यकीन काहे नहीं कर रहे। आपको पता है दीदी और हमारा मिशन झगड़ा हुआ, वो आपको मारना चाहती थी, गोली भी चलाई, उन्होंने कुछ हो भी दिखा दिया। और ये चाहिए मैं यहाँ से दीदी का हाथ लेने दे। भाभी संभालिए ना खुद को, दीदी खाई पे गिर गए और एक एक के साथ हमारी आंख से उजल हो गई। हम मारे हैं, हम मारे हैं। आप प्राण में विश्वास करते हैं? कर आप संजीव बाबू, राजीव बाबू, सब हमको यही समझा में रखे हैं। हमारे कारण दीदी नहीं मरी है, बुआ जी आप तो समझते हैं ना। आपको पता भी है हमारा जमीन, हमारा जमीन चीख 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 के कह रहा है। भाभी दीदी, तुम दीदी को मार दी है, तुम्हारी दीदी का मौत तुम्हारे कारण हुआ है। हम आपके पैर पड़ते हैं जी, हम यकीन के साथ कह सकते कि कोई हमें नजर रख रहा है। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ संजय। असली तो इस बात की है कि वो अपनों के बीच सुरक्षित है। मत कर अफसोस, मत कर गानी, हंसनी मरी नहीं है बेटा। क्यों नहीं समझ रही? नहीं मरी हंसनी। आप कहीं नहीं समझ रहे, आप कहीं नहीं समझ रहे, आप हमारा बात का यकीन कहीं नहीं कर रहे। हम ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे मरे बेटा। भाभी हमारे कारण मर गई थी, हमारे कारण। अरे रुक जाना, कह रही हूँ तुझे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तुझे। अरे कुछ नहीं किया तुझे। ये आज से मार दिया हमने दीदी को, आज से दीदी को मार दिए। हेलो, हाँ राजीव चंदेल बोल रहे, आरपी चौक पे आकर मिलिए। हाँ आपकी हेल्प चाहिए तुरंत जी। संजीव अवधेश को मैसेज करो और बोलो कि आरपी चौक पर आके मिले हमसे तुरंत जी। पर दादा आपके दिमाग में चल क्या रहा है? संजीव कोई तो ऐसा इंसान है जो कुहु को हानि पहुंचाने की नीयत से उसके पीछे पड़ा है और हमें उसको रोकना होगा। गाड़ी में चेक कर, तुझे कोई डाउटफुल आइटम जैसे कैमरा या रिकॉर्डर ऐसा कुछ दिखाई देता है क्या?
दादा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। संजीव जरा पीछे चेक करो, हमारी गाड़ी कोई फॉलो तो नहीं कर रहा, कोई संदिग्ध व्हीकल है क्या? दादा काफी ट्रैफिक है और काफी गाड़ी है, समझना मुश्किल है कि वो गाड़ियाँ हमें पीछा कर रही है या अपने रास्ते जा रही है। बाबूजी हॉस्पिटल में कोई ऐसा इंसान आपको हॉस्पिटल के आसपास मंडराता हुआ दिखा जिसके ऊपर डाउट है? नहीं राजू बाबू, कुहू पर अब कैसा खतरा है? वही जो कुहू के साथ मुनिया टोला से आई थी, हंसिनी। हंसिनी उसने कैसे गर्भवती होने का नाटक किया था, कैसा स्वाद बचाना उसने, कैसे पूरे परिवार को थाने में बंद करवा दिया था, कैसे इस प्रॉपर्टी का एक तिहाई हिस्सा उसने अपने कब्जे में कर लिया था, कब दिए वो, कैसे समझाऊं मैं तुझे? कहाँ खोया? कुछ नहीं। हाँ कहाँ खोया? कुछ नहीं, हमारा खोया। संजीव बाबू एक बात पूछे आपसे। हाँ पूछे ना। हंसनी से आपका तलाक कैसे हो गया? इस बाबत एक तो शर्त है। क्या शर्त है? सचिन जी से तलाक। और सबसे प्यारी शर्त तो बाकी है। कहा है सर? हमको तुम्हारा सुहाग चाहिए। राजीव दादा से शादी करना चाहती थी। कहा बहन का पति से ब्याह? कैसे औलाद पैदा की, हमरा परवरिश में ही कोनो कमी रह गया होगा। अरे बाबा हंसिनी तो इंसान ही नहीं है, और उसकी करनी का बोझ ना आप अपने सर पे मत उठाइए। आप तो बस अपनी कुहू बेटी के बारे में सोचिए। संजीव बाबा को हंसिनी के हाल के करतूतों के बारे में बताना। यकीन मानिए बाबूजी, ये जो दो चार आंसू हंसिनी के लिए आपके निकल रहे हैं ना, वो भी सूख जाएंगे। अरे यहाँ तो उसकी मौत के बाद किसी ने तो आंसू तक नहीं बहाए। इतनी थसक, इतनी जलील हरकत करने के बाद भी? थसक हमारी, जलील हरकत हमारी, और वो क्या था जो तुम गाड़ी में दे रहे थे धमकियां? अरे भाई क्या चाहते हो, देव नारायण चंदेल तुम्हारे पैरों में गिर के अपने गुनाहों की माफी मांगे, या अपने पाप की गिलानी में अपना सर्वस्व तुम्हारे कदमों में अर्पित कर दे? अब आपका अपना इस घर में रह क्या गया है? मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ तो गवा बैठे हैं आप, क्या कुछ करेंगे आप? अरे बंद करो बकवास, ये परिवार हमारी उपज है, अपने खून पसीने से सींचा है हमने इसको, सर्वे सर्वाय हम इस परिवार के। संभव तो ये भी हो सकता है कि हंसिनी उनके साथ है। संभव कह रहे हो? वही तो है ये फसाद की जड़। मर चुकी है हंसिनी। हंसिनी जिंदा है अवधेश, वरना कुहू को इतनी जुनून से बर्बाद करने के लिए कौन तुला हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि जयंत अपने भाई राजन का बदला लेना चाहता हो कुहू से। ये भी हो सकता है, लेकिन इसका पता तुम लगाओ, क्योंकि अगर ये जयंत नहीं है ना तो हमारे लिए मामला और खतरनाक साबित हो सकता है। वो कैसे? एक अनजान दुश्मन एक पहचाने हुए दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। संजीव जानवी की हरकतों पे नजर रखो। जी नियत और मकसद दोनों कामयाब नहीं होंगे भानु, और ये जो धमकियां घर से बाहर करने की किसको दे रहे हो तुम, वो जो इस घर की जड़ है
वो जिसके जाने से दरख्त ही उखड़ जाएगा। जरा होश की दवा करो भानु। देव, ये तुम इस घर की जड़ कब से हो गए थे? ये अनर्गल बातें ना तुम्हारी नई सोहबत का नतीजा है, वरना इस तरह से बड़बोली बातें ना मैंने करते सुना नहीं तुमको। बड़बोले नहीं, कपटी भी होगा अभी ये। हॉस्पिटल से हंसनी की झूठी लाश की सच्ची शिनाख्त करके आ रहे हैं ये। पिछले कई हफ्तों से इसकी कोई भी बात मुझे चौंकाती नहीं है बानो। बहुत कुछ बदल रहा है इसने, जमीर खो दिया है इसने। तबादला होने को है, मेडिकल लीव पे हूँ अभी। फिर तो खुलकर बोल सकते हैं आप, और बोलने का कारण भी तो है। एक बात बताइए हमको, हंसिनी की लाश तालाब में, ये सुराग किसने दिया था आपको? अब कोई मौन नहीं रहेगा इस शहर से, हर सवाल का जवाब देंगे। ये सुराग हमें अज्ञात नंबर से आया था, अननोन नंबर। क्या हुआ संजीव? दादा ये तो वही नंबर है। ठिकाना संजीव। अभी अभी इस नंबर से एक और मैसेज आया है। क्या? कोई शक शुभा है तुम्हें? पता नहीं लगाओगे कि नंबर किसका है? पता लगा लो, कोशिश कर लो, चुनौती देता हूं तुम्हें। इसका मतलब हो ना हो वो यही कहीं देख रहा है हमको, नजर है उसकी हम पे। मैंने झूठी शिनाख्त की है, जो नहीं करता। भगाना चाहता था बुनिया टोला की दोनों मनुष्यों को, जिन्होंने ग्रहण लगा रखा मेरे परिवार की खुशियों पर। एक ने मेरी संपत्ति नाजायज तरीके से हड़पी, दूसरी सारे फसाद की जड़ है। खून नहीं, वो संपत्ति उसके हाथों में सौंपी है। अपने जीवन से दोनों को निष्कासित कर देना चाहता था मैं। सही कहते हैं बड़का बाबू। सही तो कह रहे बड़का बाबू, हमारी वजह से खो दिए हिस्सेदारी, हमारी वजह से उनके शान में समय समय पर बट्टा लग गया है। बड़का बाबू सब फसाद के चल रहा हमें, और सिर्फ हम नहीं, ये जो और मोटा बुद्धि है ना कम अकली, वही जिम्मेदार है। आपने हमें बुलाया, हम आ गए। आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया। एक सवाल पूछने की गुस्ताखी हम भी करेंगे, कोई क्यों? मतलब जोड़ी जमती नहीं आपकी और कुहू की, किसी दबाव में जोर जबरदस्ती में ब्याह हुआ है क्या आपका? मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड ऑनो हीरो से कम थोड़ी ना लेते हैं आप। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा खानदान, रॉब रुतबा, कहाँ आप, कहाँ वो। पहली नजर में तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था। हरी है आपकी कुहू। वो जो मन के अंदर एक कचक होती है ना प्यार की, वो कुहू के प्रति कभी महसूस ही नहीं हुई हमको। आपने हमको धोखा नहीं दिया है, आपने अपने आप को धोखा दिया है। काहे कि आपके साथ बदसूरती जो जुड़ी हुई है और वो जुड़ी रहेगी। वो प्यार कुहू के साथ नहीं है, वो आत्मा का मिलन नहीं है कुहू के साथ। पर हम कितनी भी कोशिश कर लेना बाबा, ना तो वो अलवा जागा है और ना ही कभी जागेगा। देख क्या रहे हो राजीव, जवाब दो इसे। ये कैसा वाहियात सवाल है? हद में रहिए, हद से बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। भूलिए मत, बाबा के साथ जो झूठी शिनाख्त में आप शामिल थे,
उसका कागज, उसका सबूत अब भी हमारे पास है। आप तो बुरा मान गए। खैर, आपका जाती मामला है, कौनो मजबूरी रही होगी, होता है। बंदर के गले में मोतियों की माला। दादा, इंस्पेक्टर, चलो निकलो इधर से, वरना दो दफाए मानहानि के लगा देंगे तो कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे। चलो निकलो। सॉरी, लगता है जख्म पे मिर्ची लग गई है। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।